शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दोपहर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा की तथा अब तक की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे के किनारे बने निर्धारित स्थानों पर छायादार एवं हवादार पौधों का रोपण किया। यूपीडा एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में समीक्षा करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति जानी। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगामी 15 जुलाई तक आम जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। धरवार कला के निकट एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का उड़न खटोला दिन में 1:20 पर लैंड हुआ। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ओम प्रकाश सिंह ने कैबिनेट मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही पुलिस बालों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगले क्रम में मंत्री का काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बने निर्धारित स्थानों पर छायादार एवं हवादार पौधों को रोपण कार्यक्रम की तरफ बढ़ा, जहां स्वयं औद्योगिक विकास मंत्री व उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पौधरोपण किया। पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री एवं मुख्य सचिव ने यूपीडा एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में समीक्षा की तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति जानी। समीक्षा उपरांत पत्रकार वार्ता के में मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के लिए एक लाइफलाइन सिद्ध होगा और इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे आगामी 15 जुलाई तक आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे कई कल कारखाने लगाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए विभिन्न उद्योगपतियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। मंत्री ने कहा कि पूर्व में कासिमाबाद से लखनऊ जाने में लगभग 8 लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद केवल 4 में पहुंचना संभव होगा। कासिमाबाद क्षेत्र में इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए अभी फिलहाल कोई स्थान नहीं है। के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मऊ जनपद में भी इस तरह का एक प्रस्ताव आया है। उन्होंने जिलाधिकारी गाजीपुर को इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा, जिससे कासिमाबाद एवं आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए एक्सप्रेसवे पर चढ़ना सुगम व आसान हो सके। लगभग 1 के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति को देखकर काफ़ी उत्साहित दिखे और उन्होंने जुलाई के मध्य माह में इसे पूरा होने की उम्मीद जताई है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।